आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, पैरों में जलन होना एक आम समस्या है और किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। जलन की भावना हल्के से लेकर गंभीर और तीव्र या क्रॉनिक प्रकृति की हो सकती है। अक्सर पैरों में जलन तंत्रिका तंत्र में नुकसान या शिथिलता के कारण होती है। आप इस समस्या को कुछ सरल उपायों को अपना कर कम कर सकते हैं। पैरों में जलन को दूर करने के लिए कुछ घरेलू उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ठंडे पानी का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठंडा पानी पैरों में जलन के लिए सबसे घरेलू उपचार माना जाता है। ठंडा पानी पैरों में होने वाली झुनझुनी, सुन्नता और सूजन से जल्दी राहत प्रदान करता है। इसके लिए टब में ठंडा पानी भरें, फिर इस पानी में अपने पैरों को कुछ मिनट तक के लिए भिगोएं। अपने पैरों को थोड़ा आराम देने के बाद फिर से ऐसा ही करें। इस उपाय को दिन में कई बार दोहराएं। कुछ मिनट से ज्यादा अपने पैरों को ठंडे पानी में ना भिगोएं, क्योंकि इससे पैर खराब हो सकते हैं। इसके अलावा अपने पैरों पर सीधे बर्फ या आइस पैक को कतई ना लगाएं। सेब साइडर सिरका का इस्तेमाल करें। सेब साइडर सिरका शरीर के पीएच स्तर में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही यह पैर में जलन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए एक गिलास पानी में 1 से 2 बड़े चम्मच कच्चा और अनफिल्टर्ड सेब साइडर सिरका मिलाकर मिश्रण बना लें। अच्छे परिणाम के लिए इसे नियमित रूप से पिएं। इसके अलावा एक टब में गर्म पानी भरें, फिर इसमें 2 बड़े चम्मच सेब साइडर सिरका और थोड़ी मात्रा में समुद्री नमक या सेंधा नमक मिला लें। दिन में 2 बार 20 मिनट के लिए इससे पैरों को भिगो दें। हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में भरपूर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कर्क्यूमिन पूरे शरीर में रक्त प्रवाह और रक्त परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है। इसके अलावा हल्दी में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पैरों की जलन और दर्द को दूर करने में मदद करता है। समस्या होने पर 1 गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच हल्दी को मिलाकर लगा लें। अच्छे परिणाम पाने के लिए दिन में 2 बार इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा आप 2 बड़े चम्मच हल्दी में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और फिर इस पेस्ट को दिन में 1 या 2 बार जलन वाले हिस्से में लगा लें। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय से पैरों में दाग पड़ सकते हैं। करेले का प्रयोग आप कर सकते हैं। करेला पारंपरिक रूप से पैरों की जलन को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। समस्या होने पर मुट्ठी भर करेले की पत्तियों को लेकर उनमें पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को प्रभावित हिस्सों पर लगा लें। इस उपाय से पैरों की जलन आसानी से जल्द ही कम होने लगेगी। जरूरत के अनुरूप आप इस उपाय को दोबारा दोहरा सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।